हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि गुरुवर मुझे बचाओ ना, लेकिन संतों की गर्दन नीचे हो गई। संत विचार करने लगे, गजब हो गया, क्या करें। जब द्रोणाचार्य, गर्गाचार्य, कृपाचार्य की भी गर्दन नीची हुई, तब देव धुरी धुरंधर भीष्म पितामह जी के चरणों में जाकर के लौटी है साहब द्रौपदी। दादाजी आप जगत दादा हो, आप तो कृपा कीजिए, इन पापियों से मुझे बचा लीजिए प्रभु। लेकिन बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह भी द्रौपदी को नहीं बचाना। भरी सभा के बीच जब खड़ा कर दिया, तब द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके कन्हैया को पुकारा है, हे कन्हैया, तेरी आंखों के सामने ये मुझे निवस्त्र करना चाहता है, क्या तुझे मंजूर है। कन्हैया मुस्कुराए और कन्हैया ने कहा, करम गति तार ना टरेगी मरा भाई, करम गति तार ना टरेगी मरा भाई, करम गति तार ना टरेगी मरा भाई। द्रौपदी कर्मों की गति तारे नहीं डरती, ये तुझे निवस्त्र करेगा क्योंकि तेने ऐसा बीज बोया है। लेकिन ये निवस्त्र करे उससे पहले कोई कर्म याद कर कि तूने कोई ऐसा कर्म किया है कि तू निवस्त्र होने से बच जाए। तब द्रौपदी ने कहा है कि तू वो दिन भूल गया कन्हैया, भूल गया वो दिन जिस दिन तेरी उंगली फंसी थी और मैंने साड़ी का पल्लू फाड़ करके तेरी उंगली में, क्या मेरे कर्म का बदला चुका। कन्हैया ने कहा कि द्रौपदी ठीक है, अब तू तैयार हो जाओ, भरी सभा के बीच में खड़ी हो जा, अब तेरे कर्म का फल भगवान जरूर पूरेगा। और भरी सभा के बीच में दुशासन द्रौपदी के पल्लू को खींचने लगा। की भरी सभा के बीच दुशासन द्रौपदी चीर हरो सो, अरे खेचत खेचत भुजबल उठा क्या पर द्रौपदी बदन स्वामी नाई उड़े सो। द्वारिकाधीश, हे घट घट के वासी, हे अंतर्यामी, कब आओगे, कब मेरी लाज बचाओगे। तब भगवान द्वारिकाधीश बने हैं और भरी सभा के बीच में द्रौपदी पुकारती है, दुशासन चीर खींचता है, भरी सभा देखती है और द्रौपदी रोक करके पुकारी, कहने लगी, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, सिर से साड़ी उतर जाएगी, तुम कब आओगे। अरे देरी ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, और पीछे
ऐसे बैठे हैं जैसे कोई मंदिर में मूर्तियां बैठी है, क्या खूब लग रहे हैं। मेरा भी मन करता है कि आरती उतारूं, लेकिन थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी तालियां बजाओगे तो मुझे ऐसे लगेगा कि जिंदा ही है आदमी, क्योंकि सभा में आकर के मर भी जाओगे तो मुक्ति हो जाएगी, लेकिन जिंदा होने का परिचय दो भाई। कभी आओगे कभी आओगे लेके जोखि को खत्म कर सकता है, ऐसी सही है संत और भगवान। नारद जी कह रहे हैं कि हे हेमवंत, जो मैंने जो ये अमंगल रूपी वर जो